और बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले के आरोपी शाजा शेख और अन्य के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हुआ है। शाजा शेख और उससे जुड़े लोगों के यहां भी छापेमारी जारी है। बंगाल में 6 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन है।